आज मदर्स डे है तो फिलहाल तो मेरे पास कोई भी सामान अवेलेबल नहीं था, क्या मैं बनाती। और बाय द वे आप देख सकते हो अभी मैं किस तरह से हालत में हूँ, नॉर्मल सा ड्रेस, मेसी हेयर एंड बिल्कुल हॉट मेकअप, बिकॉज रात के 2 बज रहे थे और मेरे माइंड में थॉट आया कि कल सरप्राइज दे दे के आज ही दे देती हूँ मम्मी को सरप्राइज। तो घर पे कुछ ही सामान पड़े हुए थे गाइस, उसी से मैंने सरप्राइज देने का प्लान किया मम्मी को। तो चलो किचन के ओर बढ़ते हैं और कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं मम्मी के लिए। इस मदर्स डे में कुछ सरप्राइज देना भी बनता है हर एक को। तो चलो बढ़ते हैं किचन। रहा मेरा डोर, अब इसे ओपन करते हैं और चलते हैं किचन के ओर और बनाते हैं गाइस। यहाँ पर बनेगा हमारा केक। और बाय द वे आवाज़ बहुत धीमी आने वाली है बिकॉज मैं चुप से सरप्राइज करने वाली हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉकलेट केक, ये स्लाइस केक है और यहाँ बॉयल्ड मिल्क है। दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी चूर करके इस केक को, और इस तरह से गोल आकार मैंने दे दिया है एक कटोरी की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हर्शे का चॉकलेट सिरप, तो कोई भी सिरप आप ले सकते हो। तो ये चॉकलेट केक था इसलिए मैं चॉकलेट सिरप ले रही हूँ, और इसके ऊपर मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। एक सिलिकॉन ब्रश ले लूँगी गाइस और उसे स्प्रेड करूँगी ताकि वो इक्वली हर जगह अच्छे से स्प्रेड हो जाए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो, बिकॉज स्पून से करूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा। और ये सिलिकॉन ब्रश है गाइस, तो ये काफ़ी अच्छा होता है बेकिंग के लिए, नॉन स्टिक वगैरह पे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो इवनली हर जगह मुझे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, और थोड़ा सा मैंने इस प्लेट पे भी लगाया है आप देख सकते हो लास्ट पे, इस तरह से मैं कर रही हूँ जो हमारा बचा हुआ है उसी को लेके, ताकि वो डेकोरेशन के लिए अच्छे लगे। राइट गाइस, थोड़ा सा मैं यहाँ पर और ले रही हूँ चॉकलेट सिरप बिकॉज मीठा बहुत अच्छा लगता है खाने में हमें। तो अगेन मैं ऊपर टॉप में लगा रही हूँ ताकि कोई भी अंदर का केक नज़र न आए, पूरा टॉपिंग ऊपर चॉकलेट सिरप से भर जाए। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है, पूरा अच्छे से कोट कर लिया है। सेकेंड कोट है ये हमारा। और एक्सेस जो था उसे मैंने पोंछ दिया अपने हाथों से। और यहाँ पर मैंने लिया है ये एक वेफर्स, और ये कुछ इस तरह का रोल टाइप में आता है, तो इसे मैंने कट कर लिया है गाइस। इस चोको रोल कह सकते हो आप। तो ये 5 रुपये की मुझे मिल गई थी सामने दुकान पे, तो इससे मैं उठा लिया है और ये बार बार गिर जाता था, फिर से मैंने इसे स्टैंड किया और इससे मैं सब तरफ से चोको रोल को मैंने डेकोरेट कर लिया। और यहाँ पर मेरे पास सम कलरफुल मार्बल्स चॉकलेट थे। ये चॉकलेट तो मैंने बाहर से नहीं ली, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे घर पे, तो इसी से मैंने डेकोरेट कर दिया ऊपर में। अगर यहाँ जेम्स रहता तो वो भी बड़ा अच्छा लगता, बट जो भी मेरे पास अवेलेबल था उसी सामान को मैंने यूज़ किया इस बार। और यहाँ मैंने अमूल स्प्रे का पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर, और थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया ताकि अच्छी लगे। और सो गाइस आप देख सकते हो ये है फाइनल लुक। और यहाँ पर सिर्फ एक ही मंच लिया, आई होप मम्मा को पसंद आए। तो चलो अब घर की ओर चलते हैं। मदर्स डे मम्मी, थैंक यू, क्लैप एवरीवन, पापा हाय। सो गाइस देखो मैंने केक बनाया है, और लॉकडाउन के वजह से इतनी छोटा सा है, और गिफ्ट भी मैंने सिर्फ 5 रुपये का मंच दिया, बट गिफ्ट छोटा नहीं होता है, प्यार बड़ा होना चाहिए। राइट गाइस, तो अब मम्मी कट करेंगी केक। मम्मी कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। और रात के अभी 2 बज रहे गाइस, इसलिए अभी ऐसा घर का सेटअप हो गया क्योंकि मम्मी सो गई थी। राइट मम्मी? हाँ ठीक है। ओके गाइज अब हम लोग कट करके फिर मिलते हैं। हैप्पी मदर्स डे, क्लैप एवरीवन, ये तो आपको पसंद आया? मम्मी वीडियो पे बाय बोल दीजिए। अल्लाह। तो गाइस फाइनली मेरा सरप्राइज सक्सेस रहा और मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये सरप्राइज। बाय द वे अभी सिर्फ एक लाइट जल रही, तो इसलिए आपको मेरा फेस काफ़ी डर लगता होगा। राइट गाइस, तो रात बहुत हो चुकी है गाइस, अभी 2:30 बज रही है और मैं अभी जा रही हूँ इसे एडिट करने। तो इसी तरह हम लोग सेलिब्रेट किए हैं लॉकडाउन पे मदर्स डे एट होम। कोई भी सामान घर पर नहीं था, बहुत ही मुश्किल से केक मैंने बनाया गाइस, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके। तो आप लोग लॉकडाउन पे कैसा सेलिब्रेट किए मदर्स डे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, या डीएम कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़ एंड सॉरी फॉर दिस ड्रेस एंड मेसी हेयर और इस तरह सा स्किन, बिकॉज रात 2 बज रहे गाइस और रमज़ान भी है। तो कितनी भोली प्यारी प्यारी है।
वारी है।